वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो जनाब कुछ ऐसा है कि SMDs को चेंज करना था बाइक के मीटर की, तो आज मैं टाइम निकाला तो मैंने कहा चलो यार मार्केट जाके SMDs परचेज कर लेते हैं एंड उसको फिर जो है वो ख़ुद लगाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ I9, वहाँ पे मोटरसाइकिल मार्केट है, तो वहाँ से मैं SMDs परचेज करूँगा और फिर वापस आके घर पे मैं इनको जो है इंस्टॉल करूँगा, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर एंड जो कुछ है उसके अंदर, तो उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल होती हैं। तो चलो जाके परचेज करते हैं। चलिए जी चलते हैं I9 और वहाँ जाके वहाँ से जो है SMDs परचेज करते हैं। लेट्स गो। इट्स अ ब्राइट सनी डे। अब गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। कल ही बाइक वॉश कराई है, ख़ुद तो वॉश नहीं कर सका तो कार वॉश पे जाके बाइक वॉश कराई है, अच्छी तरह से चमकाई है, पॉलिश भी की है इतने अरसे बाद जो है, क्योंकि पॉलिश जो है ज़रूरी होती है, और नहीं तो कम से कम 2 महीने में एक बार आप ज़रूर पॉलिश करें बाइक को, इससे जो आपका जो पेंट की जो शाइनिंग है वो आपकी रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है जैसे आप फ्यूल डलवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना फ्यूल आपके टैंक के ऊपर गिर जाता है, तो उससे उसका कलर डल हो जाता है। और इस तरह आप धूप में खड़ी होती है बाइक, डस्ट लगने से, इस तरह वॉश कराते हैं तो जो पानी के साथ अगर सर्फ लगा के वॉश करें या शैम्पू, तो कुछ उसके ना स्टेन्स ऊपर ना जमना शुरू हो जाते हैं। तो पॉलिश से ये होता है कि वो सारी चीज़ें उतर जाती हैं और आपका जो पेंट है वो रिस्टोर हो जाता है, उसकी शाइनिंग जो है वो रिस्टोर हो जाती है। अभी जाना है I9 मोटरसाइकिल मार्केट, वहाँ से SMDs लेनी है और फिर वापस घर आके तो उनको ख़ुद ही लगाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। यार ये पानी जो है ना, बहुत नफ़रत है इस पानी से, स्पेशली जैसे ही बाइक धो के निकलो आगे से जो पानी होता है ना ये वाला, ये बहुत गंदा लगता है। अगर मड वगैरह हो, कीचड़ वगैरह, तो उसमें अगर आप चलाओ ना बाइक और वो कीचड़ ऊपर लगा हुआ है, मड लगी हुई है, तो वो एक अच्छा दिखने में एक अच्छा लगता है, लेकिन ये जो छोटा छोटा पानी है ना, उसमें से जब गुजारते हैं तो छींटे जो पड़ते हैं ना ऊपर, इंजन के ऊपर भी पड़ गए और टायर्स भी, और ये बहुत गंदे लगते हैं। यामा YBR के अंदर जो स्टॉक बल्ब लगे हुए आते हैं मीटर्स के अंदर, आपका स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और जो टैकोमीटर है, इसके अंदर येलो कलर के जो है स्टॉक बल्ब्स लगे होते हैं, जो कि इतने अच्छे भी नहीं लगते और इतने ब्राइट भी नहीं होते, तो इसलिए मैं पहले SMDs यूज़ कर रहा हूँ इनमें। लेकिन अभी जो सिर्फ एक ही SMD ठीक है, बाकी दोनों जल गई हैं, तो मैंने इनको रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा चलो तीनों इकट्ठी रिप्लेस करूँगा, क्योंकि SMDs जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो थोड़े अरसे बाद जो है वो उनकी लाइट जो है वो डिम हो जाती है, इतनी कॉस्टली भी नहीं है, तो बेहतर है कि इन तीनों को रिप्लेस कर लें, ताकि फिर सब कुछ नया नया हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। मैं आ गया मोटरसाइकिल मार्केट I9, तो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, तो जनाब माशाल्लाह, थैंक यू। क्या हाल है? SMDs चाहिए यार मीटर के अंदर लगाने वाली। नहीं पहले इधर से ली थी, मुझे शॉप भूल गई है, नहीं आपके पास? मेरे पास नहीं है, सामने से पता। अच्छा वो इस शॉप से पता करते हैं। यार SMDs तो नहीं है? नहीं है, ऐसे चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। SMDs मिलेंगी? ए उनमें पता क्यों की जाए कि वो परेशानी नहीं लगेगी, जिले तुसा ने आने ते पहले ही ना मैं डिमांड आप ही काट के देंगे। 2000 years later। हेलो जी, रोटी खानी ना पाऊं ना खुश। Eventually SMDs चाहिए। SMDs
आपकी बना रहा हूँ कि कस्टमर खड़ा और आप SMDs चाहिए यार, वो मीटर के अंदर नहीं लगती बाइक में। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में नहीं 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 अपना शौक है यार, वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। अच्छा हाँ, टूरिंग करता हूँ ना। थैंक यू। तो जनाब आई गॉट द SMDs। तो जनाब चलो अब मिलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो जनाब मैं करने लगा हूँ SMDs को इंस्टॉल अपने बाइक के मीटर्स के अंदर। तो उसके लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और कुछ स्पैनर्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मुझे अपनी जो है वॉइज़र को उतारना है, विंड वॉइज़र को उतारना है। इसके दो नट बोल्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और दो इस तरफ हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर आगे का बाद में बताता हूँ। तो जनाब विंड वॉइज़र के बग़ैर बाइक कुछ ऐसी लग रही है, छोटी हो गई है। अच्छा तो अभी जो है वो क्योंकि इसका भी चेंज करना है, ये वाला अगर आप देख रहे हैं तो इसको भी मैंने चेंज करना है। तो यहाँ पे कहीं पे जो है एक दो स्क्रूज हैं, उनको निकालने हैं तो ये आपका हेडलाइट का कवर बाहर आ जाएगा, फिर आप इजीली यहाँ से जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलो पहले इसको चेंज कर लेते हैं और फिर मीटर को ओपन करते हैं। तो जनाब लाइट मैंने ओपन कर ली है, लाइट का कवर। तो ये रही हमारी पार्किंग का बल्ब, इसको आप अगर खींचोगे तो ये बाहर निकल आएगा और आप इजीली इसको बस खींच के निकाल लो और इसकी जगह पे आपने जो रिप्लेस करना है तो वो लगा लो। तो अभी मैं इसके अंदर जो स्टॉक बल्ब लगा हुआ था येलो, मैं वही लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा वो ज़्यादा ब्राइट है। तो अभी मैं वही इसके अंदर लगाने लगा हूँ। तो जनाब ये बल्ब मैंने लगा दिए, अभी स्विच ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं। चलो जी, मैंने हेडलाइट भी ऑन और ये हमारा पार्किंग बल्ब भी जो है वो इट्स वर्किंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ। चलो अब जो है मीटर को ओपन करते हैं। पहले इसको फिक्स कर देते हैं वापस, ताकि क्योंकि इसका गिरने का यहाँ पे है, अगर ये गिर गया तो कोई ना कोई वायर टूट सकती है। तो इसको वापस लगाता हूँ, उसके बाद फिर मीटर को ओपन करूँगा। तो जनाब ये मैंने लाइट को वापस फिक्स कर दी है और मैंने चेक भी कर लिए, सब ठीक से काम कर रही हैं लाइट्स। तो मोटरसाइकिल गैरेज के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर आपको डू इट योरसेल्फ की बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी वीडियोस मिलेंगी जो कि आप काम खुद कर सकते हो। और इन वीडियोस के लिए आपको जो टूल्स चाहिए होते हैं वो आपकी बाइक के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए आपको ना तो कोई टूल परचेज़ करना पड़ता है और ना ही किसी जो है मैकेनिक की सर्विसेज आपको लेनी पड़ती हैं। तो आप वो वीडियोज़ देखो, तो छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है मैं उनको कवर कर रहा हूँ, तो कहीं भी आपको वो हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा तो अब बारी है मीटर को ओपन करने की। मीटर का एक बोल्ट यहाँ पे, एक वहाँ पे है, इसी तरफ दूसरी साइड से भी दो बोल्ट्स हैं, तो उनको ओपन करेंगे तो हमारे मीटर का कवर जो है निकल आएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो स्पीडोमीटर की तार है इसको भी आपने जो है इसको उतारना होगा, तभी आपका जो है वो मीटर खुलेगा। ये लास्ट टाइम गिरा था यार, तब विंडशील्ड नहीं लगी हुई थी और ये मीटर नीचे लगा था तो थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए इस पर। पहले स्क्रूज ओपन हो गए, अभी ये वाले दो नट्स जो है वो रिमूव करने हैं ताकि मीटर सारे ही बाहर आ जाए थोड़ा सा। तो ये मैंने मीटर का बैक कवर निकाल लिया है और ये देखें, ये वाली और ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों SMDs हैं, मैं इनको निकालूंगा। जैसे कि ये निकल आई और इसकी जगह पे मैं नए वाली लगा दूंगा और बाकी जिस तरह ओपन किया वैसे ही फिक्स कर दूँगा। अच्छा थोड़ा सा एक बार फिर आपको बता दूं, सबसे पहले आपने ये वाले दो बोल्ट्स जो है ओपन करनी है, इससे आपका मीटर जो है वो बिल्कुल ऐसे फ्री हो जाएगा। आप इसको ऐसे करके तो फिर आप इसकी ये जो स्पीडोमीटर वाली केबल है वो निकाल लेंगे, उसके बाद आप इजीली जो है ये बोल्ट्स उतार के अपने जो है SMD लाइट्स या बल्ब को चेंज कर सकते हैं। तो जनाब फिक्स कर दी हैं सारी चीज़ें मैंने, अब इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, स्विच ऑन एंड लाइट्स ऑन। अभी आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी डे टाइम है, तो इतना वो नज़र नहीं आ रही। विंडशील्ड भी मैंने फिक्स कर दी, येलो लाइट लग गई और सब चीज़ें जो है प्रॉपरली अपनी जगह पे फिट हो गई।